माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार अच्छी स्कूल व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था के लिए जानी जाती है। पिछले 9 वर्षों में हमारी सरकार ने अच्छी स्कूल शिक्षा व्यवस्था की, स्किल डेवलपमेंट के संस्थान बनाए, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शुरुआत की, अपना अलग से बोर्ड बनाया। इसी के चलते दिल्ली की जनता ने पिछले 15 वर्षों से चली आ रही सरकार को उखाड़ फेंका और आम आदमी पार्टी की सरकार MCDM बनाई। लोगों की उम्मीद थी कि जैसे दिल्ली सरकार के शिक्षा संस्थान और स्कूल बेहतरीन हो गए, उसी प्रकार से MCDM के स्कूल भी बेहतरीन हो जाएंगे। मैं आपके माध्यम से MCDM में जो प्राइमरी स्कूल है, क्योंकि प्राइमरी शिक्षा MCDM स्कूलों में होती है, और ये 1534 स्कूल हैं। अध्यक्ष महोदय, 9 लाख बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पे 21 फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं। और फिजिकल एजुकेशन टीचर क्यों चाहिए? क्योंकि आज देखो, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो मोटापे के शिकार हैं। वो कंप्यूटर, मोबाइल और बैठे रहना, बाहर ना निकलना, स्कूल, स्कूल से घर, तो उनको ओबेसिटी, स्ट्रेस रिलीज के तौर पे, डिसिप्लिन की भावना, टीम वर्क करना, इन सब के चलते जिनका शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, मानसिक और सोशल, सामाजिक विकास के लिए फिजिकल एजुकेशन टीचर MCDM के स्कूलों में होने चाहिए। MCDM में स्ट्रा स्टेडियम है, उस स्टेडियम में कोई ट्रेनर नहीं है, तो MCDM के स्टेडियम में ट्रेनर की नियुक्ति होनी चाहिए। जैसे दिल्ली सरकार के स्कूलों में दिल्ली की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का महत्व और फायदा तभी होगा जब ये छोटे छोटे कम अल्प आयु से ही बच्चे फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स का महत्व समझेंगे, जिससे उनका विकास मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास तो होगा ही होगा, और राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली के बच्चे खेलों में मेडल लेके अपना नाम उत्तीर्ण करेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज का और संज्ञान दिलाना चाहता हूँ कि दिल्ली में बहुत से ओलंपियन, एशियाड मेडलिस्ट और कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट हैं, इंटरनेशनल मेडलिस्ट हैं। इन मेडलिस्ट को के लिए पेंशन का प्रावधान किया जाए, कुछ राज्यों में इनको पेंशन दी जा रही है। दिल्ली में भी कई बार ये आवाज उठी, तो इनके लिए पेंशन दी जाए ताकि आने वाली पीढ़ी उसको लगे, युवाओं को लगे कि अगर हम खेल में जाएंगे तो हमारा नाम रोशन तो होगा ही, हमें संभावना, अपार संभावनाएं रोजगार की भी रहेंगी और मान सम्मान के रूप में पेंशन मिलेगी। तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से MCDM तक ये संदेश पहुँचाना चाहता हूँ, और MCDM क्योंकि हमारी सरकार है, मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे फिजिकल एजुकेशन टीचर की नियुक्ति हो ताकि बच्चों की विकास हो। बहुत बहुत धन्यवाद।